नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट यूएस जीडीपी डेटा एंड यूएस जॉबलेस क्लेम डेटा। दो डेटा भी रिलीज हुआ है एंड यूएस मार्केट में शार्प फॉल देखने को मिला है। तो सबसे पहले चीज जान लेते हैं कि जीडीपी डेटा होता क्या है, एंड देन आफ्टर दैट उस डेटा को हम लोग एनालाइज करेंगे, कैसा आया, मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया, इन सभी चीजों को चेक करेंगे, एंड प्लस अभी पूरे ग्लोबल मार्केट को भी चेक करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले चाहिए जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि एक मॉनेटरी मेजर है मार्केट वैल्यू, जो कि फाइनल गुड जो भी प्रोड्यूस होती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसका मार्केट वैल्यू को बताता है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रहता है ये बाय कंट्री। तो ये डेटा जो है कंट्री रिलीज करती है, ये डेटा आज के दिन में यूएस डेटा जो रहता है रिलीज आज किया गया है, एंड ये जो डेटा है वो एक कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में बताता है। तो जीडीपी इज मोर ऑफन यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ सिंगल कंट्री टू मेजर इट्स इकोनॉमिक हेल्थ। इकोनॉमिक हेल्थ समझ सकते हैं, बहुत ही बड़ा शब्द है, उसको बताता है। तो जीडीपी हिंदी जिन्हें जानना है, तो सकल घरेलू उत्पाद, सभी घरेलू उत्पादों को का मापन करता है जीडीपी डेटा। तो सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब है मार्केट में ये डेटा रिलीज हुआ, देख सकते हैं 1% का भारी भरकम फॉल देखने को मिला, 413 पॉइंट, और उसके साथ ये और डेटा और ये जो फॉल ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। US 500 में देख सकते हैं 1.17%, US टेक्नोलॉजी शेयर्स में लगभग 1.60%, स्मॉल कैप में 1.23%। तो फ्रेंड, इसी तरीके से देख सकते हैं पूरा US मार्केट में अभी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। ये प्री मार्केट डेटा है, मार्केट ओपन होगा उसके बाद क्या स्थिति होगी वो देखने वाली बात है। अब है कमोडिटी प्राइसेस को चेक कीजिएगा, देख सकते हैं गोल्ड नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, सिल्वर 0.67% का उछाल है, एंड कॉपर में 2% का उछाल है। तो कमोडिटी मार्केट अभी थोड़ा सा तेजी बन रहा है, बिकॉज वो डेटा खराब आया, तो ये थोड़ा मंदी का सूचक होता है, तो ये बता रहा है कि नहीं, जीडीपी डेटा खराब है तो मैं चढ़ने की अब कोशिश करूंगा। अब देखिए, ये है डाउ जोन्स का चार्ट, अमेरिका मार्केट का, देख सकते हैं US 30 या फिर डाउ जोन्स का चार्ट देखिए। ये जो चार्ट है फ्रेंड, ये 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है, इसमें देखिए शार्प फॉल देखने को मिल रहा है, आप खुद से भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। एंड अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ से रिकवरी होता है या नहीं होता है। हमारे गिफ्ट निफ्टी में भी इसका देख सकते हैं असर पड़ रहा है, 88.50 पॉइंट के साथ गिरावट अभी देखने को मिल रहा है, एंड देखिए US डाउ जोन्स में 476 का पॉइंट ये बढ़ गया। तो फ्रेंड, हर एक मिनट में अब ये जो फॉल जो रहता है बढ़ रहा है, हो सकता है कि आप थोड़ा रिकवरी भी यहाँ से देखने को आपको मिल जाए, लेकिन डेटा नेगेटिव साइड में आया। डेटा क्या है उसको जरा चेक कर लेते हैं। तो यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोस मोर देन एक्सपेक्टेड इन Q1 एट 1.6%, इकोनॉमिक्स ने पोल बाय रॉटर्स जो रहता है फोरकास्टेड राइजिंग एट 2.4% रेट विथ एस्टिमेट रेंजिंग फ्रॉम 1% पेस टू 3.1%, ये बताया है उन्होंने इनके तरफ से आया। चलिए डेटा को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, फोरकास्ट किया गया था 2.5% का, मतलब अनुमान था कि आना चाहिए, प्रीवियस इससे पहले जो आया था वो था 3.4% का, फोरकास्ट किया गया कि गिर कर रहेगा 2.5%, और उससे भी नीचे आ गया, मतलब प्रीवियस डेटा से तो कम ही आया है, प्लस जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे एनालिस्ट का अनुमान जो था उससे भी गिर कर आ गया 1.6%। ये मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसके बाद स्टीप फॉल देखने को मिला। पूरा अगर हिस्ट्री चेक कीजिएगा, यानी 2023 से पूरा डेटा मैंने निकाल कर लाया है, उसके बाद चेक कीजिएगा तो 1.6 देखिए कहीं भी आपको देखने को नहीं मिला, 5.2, 4.9, 3.3, 3.2, 3.4, 1 पर अब भी 1.6 आया, जो कि बहुत ही नेगेटिव है, इस कारण से अच्छा खासा आज मार्केट अभी गिर रहा है। तो अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ से रिकवरी होती है कि होती है टेक की नहीं होती है, ओके, बिकॉज इनका भी ट्रेडिंग बचा हुआ। एक और डेटा देखिए, यूएस जॉबलेस क्लेम डेटा है, प्रीवियस था 1796 का, देख सकते हैं अनुमान किया गया था 1841 का, यानी कि अनुमान किया गया था कि ज्यादा क्लेम किया जाएगा जॉब्स, लेकिन आया कितना 1781, तो ये तो पॉजिटिव साइड में आया है, ये मार्केट को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जीडीपी डेटा इतना नेगेटिव आया कि मार्केट इसको अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और गिरावट देखने को मिल रही है। बस अब ये देखने वाली बात है कि उनके ट्रेडिंग सेशन में ये गिरावट थमती है या फिर और ये बढ़ जाती है, तो बस वो ट्राई करने वाली बात है, एंड उस डेटा को जरूर चेक कीजिएगा हमारे मार्केट क्लोज होने से पहले कि उनका मार्केट का क्या आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा। ओके सो फ्रेंड, ये था इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग यूएस जीडीपी डेटा एंड जॉबलेस क्लेम डेटा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।